हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? चलिए, किसी टेक्स्ट या किसी स्टेंजा, कोई पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बताता है कि किस क्या हमने समझा उस पैराग्राफ से। तो इसका मतलब समझना, कॉम्प्रिहेंशन में समझना, अंडरस्टैंड करना। अनसीन पैसेज एक एग्जाम के जैसे होता है कि उसके पैसेज कोई पैराग्राफ के ऊपर एक कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो स्टूडेंट को क्या करना होता है, उनको पैसेज को पढ़ना होता है ध्यान से और उसके नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इस तरह से ये हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़कर फिर हमें उसमें लिखे हुए नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर और उसको पैराग्राफ में ढूंढना चाहिए और उसको अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन करके हमें उस क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं और हमें क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर लिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना चाहिए। और क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हमें एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए कि जो क्वेश्चंस में पूछा गया है हमने वही आंसर लिखा है कि नहीं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम कई बार जरूरी हो तो हमें पैराग्राफ को एक से ज्यादा बार भी पढ़ना चाहिए तो हमें नीचे लिखे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ जाता है। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखकर हम कोई भी अनसीन पैसेज के नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।